भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पूर्णिया जिला कमेटी का 23वां जिला सम्मेलन सर्वोदय आश्रम रानीपत्रा के प्रांगण में रविवार को किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से माकपा नेता सह वर्तमान जिला पार्षद राजीव सिंह को जिला सचिव बनाया गया। सम्मेलन के लिए एक अध्यक्ष मंडल का चुनाव हुआ, जिसमें कॉमरेड शिवू सिंह, उमाशंकर रस्तोगी, कॉमरेड खलील अहमद, कॉमरेड सुधीलाल मुंडा, कॉमरेड प्रोफेसर प्रमिला यादव निर्वाचित किए गए। इनके अलावा प्रमाण समिति के लिए कॉमरेड सुदीप सरकार, कॉमरेड मिथिलेश ठाकुर, कॉमरेड रघुनाथ उराव एवं कॉमरेड मिथिलेश सिंह चुने गए। झंडोत्तोलन के बाद इसका उद्घाटन करते हुए पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड अवधेश कुमार ने विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और पार्टी की संघर्षों में भूमिका पर चर्चा की और प्रतिनिधियों को संबोधित किया। कॉमरेड राजीव कुमार सिंह ने जिला के संगठन के संदर्भ में प्रस्ताव पेश किया। वहीं कॉमरेड शिवू सिंह ने कॉमरेड राजीव सिंह के लिए जिला सचिव पद का प्रस्ताव रखा, जिसका कॉमरेड खलील अहमद ने समर्थन किया। वहीं सभी जिला कमेटी सदस्य और डेलीगेट ने सर्वसम्मति से कॉमरेड राजीव सिंह को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पूर्णिया जिला कमेटी सचिव पद के लिए अपना समर्थन दिया। मौके पर राजीव सिंह ने कहा कि पार्टी के द्वारा जो जिम्मेदारी मुझे दिया गया है, उसका पूरा मेहनत और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। पार्टी संगठन को मजबूत कर कॉमरेड शहीद अजीत सरकार के सपनों को मंजिल तक पहुंचाऊंगा। 23वां जिला अधिवेशन है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, क्या एजेंडा को लेकर आज बैठक किया या जिला स्तरीय सम्मेलन है? देखिए, हमारा पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है और हमारे पार्टी के संविधान के मुताबिक हमेशा 3 वर्ष पर जिला सम्मेलन, राज्य सम्मेलन होता है, नीचे स्तर पर भी सम्मेलन होता है और इसलिए यह हमारी सांगठनिक प्रक्रिया है। इसमें हम लोग आज विमर्श कर रहे हैं पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला की हालत बहुत ही खराब है। यहाँ जो है अजीत दा के शहादत के बाद सामंती ताकतों का मनोबल काफी बढ़ गया है। हमारी पार्टी तय कर रही है कि हम सामंती ताकतों के खिलाफ, भूमि माफिया के खिलाफ और जो भी अपराधी ताकत उसके खिलाफ आंदोलन को तेज करेंगे। हम लोग ये यहाँ पे आज फैसला लेने वाले हैं। जो भयंकर बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी हमारा आज की तारीख में प्रमुख मुद्दा होगा। जो लोग जा रहे हैं उनको लाठी मारी जाती है पटने में और कोई बहाली नहीं हो रही। हम लोग आज ये मांग कर रहे हैं, अभी 6 लाइन 4 लाइन जो बन रहा है हाई नेशनल वे, लेकिन जो गरीब लोग जो उजारे जा रहे हैं उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उनको तो जमीन मुहैया कराई जा रही है। कहाँ अब जमीन मुहैया कराया जाए, सरकार ठग रही है। सरकार कहती है कि हम जमीन खरीद के दे रहे हैं, लेकिन एक को भी खरीद के नहीं दिया। तो हमारा कहना है कि आप पहले जमीन उनको दे दीजिए, उनको मकान बनवा दीजिए ताकि उनको बास की जमीन हो जाए, तब आप जो है रोड बनाइए। लेकिन नीतीश जी बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। पूरे बिहार में सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दलितों पे, गरीबों पे, आदिवासियों पे, महिलाओं पे आज हमने बढ़ गए। हमारी पार्टी आज संकल्प ले रही है कि हमारे साथियों ने जो कुर्बानी दिया है पिछले, मधुसूदन ऋषिदेव जिनके नाम पर यह सम्मेलन हो रहा, आप सब उनको जानते हैं। अजीत सरकार के साथ साथ हमेशा वो लड़ते रहे, अजीत सरकार के केस में वो प्रमुख गवाही थे और कितना उनको धमकी मिला, उनको रिश्वत दिया गया, उनको प्रलोभन दिया गया, लेकिन मधुसूदन ऋषि को हम सलाम करते हैं। वो झुके नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं और कोर्ट में वो बहुत ही निर्भकता के साथ हत्यारे को सजा दिलाने में एक हद तक कामयाब हुए। वैसे भूमि पर आज हम ये सम्मेलन कर रहे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ गरीबों का नजर, गरीब बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। हम चाहते हैं उस भावना में हम उतरे और इसके लिए पार्टी आगे मजबूत पार्टी बने, संघर्ष को हम तेज करें, गरीबों का संघर्ष अन्याय के खिलाफ, इसके लिए हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं और आखिर में सब लोग मिल करके एक नई जिला कमेटी का हम गठन करेंगे, सचिव का चुनाव करेंगे और नई जिला कमेटी के नेतृत्व में भविष्य में हमारा आंदोलन आगे। आगे सर किन की रणनीति को लेकर आज तैयारी की गई है, क्या एजेंडा को लेकर आज बैठक किया जा रहा है? आपको हमने बताया, एजेंडा है गरीब की लड़ाई को आगे, एजेंडा है जो भूमिहीन लोग हैं
उनको बासमित का पर्चा दो। एजेंडा है जो भ्रष्टाचार बगैर रिश्वत लिए हुए दाखिल खारिज नहीं हो रहा, आप ये काम कीजिए। एजेंडा है जो किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रही है, आप उन पर जो है सो ये कीजिए। श्राम माफिया का जो ये बोलते हैं नीतीश जी शराब पर पाबंदी है, लेकिन पाबंदी है नहीं बिहार सर, पूरी बिहार में शराबबंदी है सर। फिर आपकी पार्टी कह रही है शराबबंदी नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने तो नैतिक रूप से समर्थन दिया था, लेकिन यहाँ तक माफिया राज हो गया, शराबी माफिया पुलिस में गठजोड़ है और इसका संरक्षण सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं और इस मामले में भारी लूट हो रही है। एक भी शराब माफिया नहीं पकड़ा जा रहा, पकड़े कौन जा रहे हैं? गरीब दलित है, आदिवासी है, जेल के शिक्षों में लाखों वो सर रहे हैं, उनको जमानतें नहीं दी जा रही, कोई सरकार तो उल्टी दिशा में जा रही है। और धरल्ले से हर गांव में शराब आप उपलब्ध हो रहे हैं और नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको शराब बेचने का एजेंट बनाया जा रहा है, इससे अपराध की घटनाओं में बहुत बढ़ोतरी हुई है। आंगनबाड़ी सेविका जो ये जो है सो आप आशा कर्मी है, अच्छा यहाँ जो मिड डे मील है, ये लोग इतना मेहनत करते हैं लेकिन उनको उचित मानदेय नहीं मिलता। केरल में एक सरकार हमारी सरकार है वो हर दिन 600 रुपया मतलब महीना में 18,000 रुपया मानदेय देती है। आज बिहार क्या है? सबसे ज्यादा गरीब राज्य होता है। नीति आयोग का आंकड़ा आया 52% बिहार में गरीबी है, देश में सबसे टॉप गरीब के मामले में आज बिहार है। नीतीश जी के पास आज कोई जवाब नहीं है, लोग यहाँ से प्लान करते हैं उनको जॉब नहीं मिलती, इसलिए हर स्तर पर ये जो सरकार है ये डबल इंजन की सरकार बिल्कुल असफल हो गई है और इसके खिलाफ हम जनता आज बैठक किया जा रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 23वां जिला सम्मेलन और आप देख रहे हैं पूरा जिला से कितने हमारे गरीब दलित आदिवासी अल्पसंख्यक भूमिहीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज जिला सम्मेलन है और हमारे पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार जी आए हुए हैं, हम लोग अपने जनता से बातचीत कर रहे हैं, पार्टी का संगठन कैसे मजबूत होगा, पार्टी कैसे जिला में विस्तार किया जाएगा। और अभी जिला कमेटी का चुनाव होगा, जिला सेक्रेटरी का चुनाव होगा जो अभी विधिवत प्रक्रिया चलेगा। हम लोग आज यहाँ आए हैं बैठक कर, आज जो इस देश और राज्य का स्थिति है, गरीब किसान दलित आदिवासी सब परेशान हैं। लोगों को सरकार एक तरफ बोलती है जब गरीब को भूमि दे के मकान बनाएंगे, लेकिन जो गरीब आज बरसों से सड़क किनारे बसे हुए थे, नहर पे बसे हुए थे, पोखर पे बसे हुए थे या कहीं भी जिनको अजीत सरकार बसा के गए, आज लोग कोर्ट से आदेश लेके उनको उजार रहे हैं। ब्रोकर यहाँ भूमि माफिया का मनोबल बढ़ गया है, गरीब उनसे परेशान है। एक तरफ प्रशासन उनका आज पूर्णिया में मैंने सड़क को सौंदर्यीकरण के नाम पर, शहर को सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीबों को उजारा जा रहा। हम कह रहे हैं सौंदर्यीकरण कीजिए, लेकिन उजारने से पहले उसका वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, गरीब को कहीं पर जमीन खरीद के मकान बना के दे दीजिए, तब आप उसको उजारिए। लेकिन यह सरकार सुनने वाली नहीं है, सिर्फ गरीबों को जात और धर्म के नाम पर मजहब के नाम पर बांट कर वोट लेती है और गरीबों का शोषण हो रहा, मजदूरों का शोषण हो रहा, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और हर चीज आज महंगा हो गया और मजदूरी कम हो गया। पार्टी की आगे रणनीति क्या? पार्टी हम लोग इन सभी सवालों पे, किसान के सवाल, खाद नहीं मिल रहा, 266 रुपया का खाद 350 रुपया में लोग बेच रहे हैं, कि आज धान जो किसान से खरीदा जा रहा है या मक्का जो खरीदा जाएगा, जो अभी न्यूनतम रेट उसका निर्धारण किया गया 1940 रुपया सरकार के द्वारा, किसान को 1700 रुपया मिलता है, 1500 रुपया मिलता है, बाकी बीच का बिचौलिया खा जाता है और बिचौलिया ही धान खरीद के वो पैक्स में दे रहा है। तो आज तो हर जगह किसान का शोषण हो रहा है, मजदूर का, दलित का, आदिवासी का, अल्पसंख्यक का, नौजवान आज हमारा पढ़ लिख के सड़क पे लाठी खा रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा। तो हर खाली समस्या है इस देश, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ा लोगों का। इन सभी सवालों पे हम लोग अनवरत आंदोलन करेंगे और सरकार से प्रशासन से मांग करते हैं किसी गरीब को उजारने से पहले उसका वहाँ समुचित व्यवस्था कर दे, वैकल्पिक व्यवस्था कर दे, तब उजारे, नहीं तो आंदोलन होगा। आज आशा को मारा जाता है, आंगनबाड़ी सेविका को, शिक्षक को, जो मांग मांगने जाता है, चाहे नर्स हो, जो मांग मांगने गया उस पर लाठ। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर,
पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।